आज मैं आपके लिए एक ऐसी मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ही जल्दी बन जाती है। ये नो कुक रेसिपी है, बहुत ही अमेजिंग है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ किरण, होममेड फूडी में आपका स्वागत है। आज हम मिलकर बनाएंगे एक ऐसा पेड़ा जो कि मावा से ना बना है, ना ही कंडेंस मिल्क से बना है। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, आपको बहुत पसंद आएगा। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। इस यमी पेड़े को बनाने के लिए सबसे पहले हमने रोस्टेड चना ले लेना है। इसके हमें अच्छे से ग्राइंडर में डालकर अच्छे से इसको पीस लेना है, इसका पाउडर बना लेना है, एक अच्छा सा फाइन पाउडर बना लेना है। इस तरीके से इसे अच्छे से पीस लेंगे हम। अगर आप छिलके वाले भी चने लेते हैं तो उनको अच्छे से साफ़ करके, उनका छिलका उतार के अच्छे से इसको साफ़ करके इसे पीस लीजिए। आप इसे देखिए छान लेंगे छन्नी में, और नीचे मैंने एक बॉल रख लिया है, और ये जो इसका मोटा पार्ट निकला है ये इसे हम हटा देंगे। अब इसमें मैंने 2 टेबलस्पून के करीब देसी घी लिया है, इसे लेंगे और इसमें हम डालेंगे शुगर। 1/2 कप के करीब मैंने इसमें शुगर लिया है, शुगर पाउडर ले लिया है। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून के करीब छोटी इलायची पाउडर, और थोड़ा सा मैंने पिस्ता था वो ग्राइंड कर लिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, इसे अच्छे से तरह से विस्क से मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। ये देखिए कैसे एकदम से वाइट फॉर्म में आ गया है। इसमें अब हम ये जितना भी पाउडर है इसमें डालते जाएंगे चने का, और इसको मिक्स करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। ये बहुत जल्दी रेसिपी बन जाती है। अब इसे हम थोड़ा हाथ से भी इसे करेंगे, जैसे डो की फॉर्म में हम इसे ले आएंगे। जैसे अगर आपके घर में गेस्ट आ रहे हों, या आपके बच्चों का स्कूल में नो कुकिंग कॉम्पिटिशन है, या पूजा के लिए आपको कुछ बनाना है, तो ये मिठाई बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही अमेजिंग लगती है। तो इसे आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसमें थोड़ा सा मैंने घी और ऐड किया है, और अगर आपको लगे कि इसमें घी ऐड करना चाहिए तो आप इसमें और घी भी ऐड कर सकते हो। अब इसके हम छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे, और किसी भी हम शेप में इसको बना सकते हैं। हम लड्डू की शेप में दे सकते हैं इसे, आप बर्फ़ी की शेप में भी बना सकते हो। मैंने इसे पेड़े का शेप दिया है। इस तरीके से हम छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। इन्हें आप फ्रिज में भी रख सकते हो 10-12 दिन के लिए, इन्हें आप स्टोर करके रख सकते हो, तो ये 10-12 दिन आराम से चलती है। ये देखिए, और टेस्ट में भी कोई फ़र्क नहीं आता है, और खाने वाले भी बड़े जब खाते हैं तो यही कहते हैं कि ये किस चीज़ से बनी है, कोई भी पहचान नहीं पाता है कि ये रोस्टेड चने से बनी हुई है। इतनी टेस्टी और अमेजिंग रेसिपी है ये, बहुत टेस्टी लगते हैं ये पेड़े खाने में। देखिए ये सारे पेड़े मैंने बनकर तैयार हो चुके हैं, इसे मैंने गार्निश कर दिया है पिस्ता से। तो कैसी लगी मेरी रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।